वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आप लोगों का मेरी शायरी। सो गाइस, सर्वोटेक में आज इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है? इससे रिलेटेड काफी सारी न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, आप रिपोर्टेड चेक करके चल सकते हो। बट हाँ, मैंने रीड करा है तो मैं आप लोगों को सिंपली एक शॉर्ट वे में बताने जा रही हूँ। गाइस, एक्चुअल में क्या है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग वाली कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सोलर से सबसे जुड़ी हुई कंपनी है। सो उसको हाल ही में नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब जिसको NMC से EV चार्जिंग स्टेशंस का एक एडिशनल ऑर्डर मिला है। इससे पहले भी सर्वोटेक पावर सिस्टम को NMC से एक ऑर्डर मिला हुआ था, जिसमें कंपनी को नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की कंस्ट्रक्शन, उसकी सप्लाई, कमीशनिंग का भी काम मिला हुआ था। गैस, इसी समय से देखा जाए तो जो काम है और डिलीवरी को देखते हुए NMC ने एक एडिशनल ऑर्डर कंपनी को दे दिया है। सर्वोटेक को जब टोटल मिलाकर 29 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग और उसकी सप्लाई का काम दिया गया है, जैसे कि एडिशनल ऑर्डर 9 EV चार्जिंग स्टेशंस का है टोटल मिलाकर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि सर्वोटेक सिस्टम के शेयर में पिछले 3 साल में तूफानी तेजी दर्ज की गई है। अगर आप देखोगे फिलहाल तो ये 1 महीने में 27% तक चढ़ चुका है, 6 महीने में देखोगे तो 95% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, लगभग 1 साल में 150% तक रिटर्न। अब पिछले 5 साल की बात की जाए तो 7000% तक रिटर्न देखने को मिलता है। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रही, 2021 से लेकर अगर आप नोट करो तो मतलब हाल फिलहाल में जो उसको ये कहा 2.52 रुपये पे था और आज आपको 178 रुपये पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप लगा लीजिए सितंबर 2021 22 में 2, 23 में 3 और 24 में 3, 22 में 1 साल होता है, 23 में 2 और 24 में 3 साल होते हैं, मतलब 3 साल में आपको 7000% तक का रिटर्न ने तूफानी तेजी दर्ज करते हुए देखने को मिली। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने एक मूव भी दिखाया था, जब चढ़ा तो नीचे गिरा भी, एक अपॉर्चुनिटी भी दी। अगर मान लीजिए जिन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा 28 रुपये पे तो उनको लगभग मिलाकर आप देखोगे 537% का रिटर्न अच्छा खासा मिल चुका होगा। 52 वीक हाई 205 है, लो 69 है, मार्केट कैप 3000 करोड़ का है मात्र। गाइस, पी रेशियो 325 देख रहे हो, बहुत हाई पे चला गया है, मतलब काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहे, क्योंकि जिस तरीके से रिटर्न दिए हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं पिछले अगर मैक्सिमम अगर देखोगे तो वही 2021 में आई थी, तब से लेकर अब तक इसके 7-8 हज़ार% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है और बहुत अच्छी कंपनी है, 2 साल में मोटा मोटा 900% का रिटर्न भी बनता हुआ देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करो तो। गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्वोटेक पावर सिस्टम कंपनी जो कि ईवी चार्जिंग से रिलेटेड काम करती है, ये आप ईवी स्टॉक ईवी चार्जिंग स्टेशन का जो उसको काम मिला है, कम से कम 9 ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम मिला है महाराष्ट्र के अंदर। सो गाइज, आप ये सोचिए कि कितना तगड़ा और स्टॉक भाग सकता है, उसका लगभग अगर मोटा मोटा टारगेट प्राइस बताऊं मैं आपको, साल भर में ही आपको 200 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसने हाई 205 तो बना ही लिया है और जैसे ही 205 को ब्रेक करेगा आपको 300-400 के लेवल पर जाता हुआ देखने को मिलता है। आने वाला फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि मार्केट कैप देखोगे मात्र 3000 करोड़ का है। चलिए थोड़ा सा इसके फंडामेंटल पे नजर डाल लेते हैं, जिसमें मेन हमें इन्वेस्टर होल्डिंग देखने को मिलती है, जिसके आप देखोगे FI भर भर के माल खरीद रहे हैं, भर भर के माल खरीदा जा रहा है FI के थ्रू, मतलब कहां 2.5% से 5.5% तक FI ने अपनी होल्डिंग को बना लिया है। प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट है, पब्लिक की होल्डिंग में भी थोड़ी बहुत गिरावट, इन्होंने माल बेचा है, जिसमें से आप कह सकते हो कि बिकवाली की गई प्रमोटर और पब्लिक ने, खरीदारी करी FII ने, ठीक है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व ठीक है, उनके पास 70 है और बोरिंग आसपास 81 देखने को मिल रही है। एंड अगर क्वार्टरली नंबर कंपेयर करोगे तो क्वार्टर में इसका रेवेन्यू बढ़ा था एनुअली, एंड जो इसका आप देखोगे नेट प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला एनुअली, एंड क्वार्टरली भी नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आपको मार्च के कंपेयर में रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है। ऑल ओवर गाइस, ROC ROE ठीक है, इसके काफ़ी ज़्यादा सही है, कोई भी स्टॉक गिरवी नहीं है इसका, एंड बस इतना है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि कौन से पॉइंट पे ये आए कि हम बाय करें, चलिए उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ चार्ट के अंदर। सो गाइस, अभी 1 साल में आप देखोगे इसने कहाँ आया, ये 70 रुपये के लेवल पे। सो
और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 28। कैसे कि अभी 2021 में ही है, 3 साल ही हुए हैं इसको, ज़्यादा कोई टाइम हुआ नहीं है, बट इसने अभी तक लो 69 रुपीज़ बनाया है। तो इट मीन्स अभी 178 पे है, करेक्शन होगा, करेक्शन टूट कर अगर ये 140 या 150 के रेंज में आता है, मोटा मोटा बता रही हूँ, अगर ज़्यादा करेक्शन हुआ इसके अंदर 15-20% तक का भी आप कह लीजिए, अगर ये 150-140 इसके लेवल पे ये आता है तो आपको मैं ये एक चीज़ कहूँगी। देखो अब ये बहुत टाइम से एक ही कंसोलिडेशन जोन पे था, 75 रुपये के प्राइस पे था काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से, देखो 80-82। तो हाँ, अगर 100 की भी रेंज में आ जाए, बहुत रेयर है कि 100 की रेंज में आएगा, कि जिस तरीके से इसको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, तो लगभग मोटा मोटा 140-150 की रेंज में ही आता है, आप इसको बाय करके चल सकते हो। सो गाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज से शेयर है, स्टडी करो, चेक करो, तो इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।